Every time I go into a patient's brain to remove a tumor, there's a crucial moment when things can change very quickly. Suddenly, I see myself as a samurai that is going to fight this extraordinary monster. So this doctor is a legendary doctor. He is popularly known as Dr. Q. Unka naam Dr. Alfredo hai. So he's a Mexican neurosurgeon. He's a professor in UCSF. तो उन्होंने जो बात बोला है ना समुराई वॉरियर एंड जो ब्रेन ट्यूमर के सर्जरी के बाद बोले हैं ना मतलब दिल को छू जाने वाली बात है. ऐसा होता है कि ब्रेन ट्यूमर को अगर मैं उसका नेचर उसके लोकेशन और उसके साइज़ इन तीनों चीज़ों में डिवाइड करूं एक ट्यूमर अगर साइज़ के हिसाब से देखूं छोटा ट्यूमर से बड़ा ट्यूमर हो सकता है इतना से लेके इतना बड़ा ट्यूमर भी हो सकते हैं. अगर लोकेशन देखूं एक ट्यूमर का लोकेशन बहुत सरफेस में सुपरफिशियल लोकेशन हो सकते हैं और ये डीप लोकेशन में भी हो सकते हैं ठीक है. और उसका नेचर की बात करूँ एक ट्यूमर बिनाइन मतलब लो ग्रेड बहुत लो ग्रेड वाला ट्यूमर भी हो सकते हैं और बहुत ही एग्रेसिव हाई ग्रेड वाला ट्यूमर भी हो सकते हैं. अभी इन तीनों चीज़ों का वेरियस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ठीक है. एक छोटा ट्यूमर हाई ग्रेड वाला ट्यूमर बहुत डीप सीरेट लोकेशन में है या तो बहुत तरह का ये वेरिएशंस हो सकते हैं. एक सर्जन के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना आई मीन इन न्यूरोसर्जरी इट इज़ नॉट ओनली द टेक्निक दैट मैटर्स इट इज़ ऑल्सो द इम्पैक्ट. मान लीजिए मैं दो पेशेंट की बात करूँ ठीक है. एक पेशेंट ऐसा है कि उसको एक ट्यूमर है ठीक है. ट्यूमर है ब्रेन का राइट साइड में. अभी और एक बात जो है राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ योर हैंड एंड लेग. उसका जो ताकत है उनका जो मूवमेंट्स है लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट ठीक है. मान लीजिए बेसिक है. अभी अगर ट्यूमर राइट साइड में है अगर मोटर कॉर्टेक्स जो एरिया हाथ पैर का मूवमेंट कंट्रोल करता है उसके ऊपर है तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है मैं बोलता हूँ कि पेशेंट आया है वीकनेस लेके हाथ में वीकनेस पैर में वीकनेस लेके आए हैं ठीक है. एक दूसरा पेशेंट अभी आया है मान लीजिए वो मोटर कॉर्टेक्स का बगल में लगा हुआ मतलब उसका लगा हुआ एक ट्यूमर है जो पेशेंट आया है सर में दर्द लेके ठीक है. उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है हाथ पैर में कोई भी कमजोरी नहीं है. अभी आप बोलिए ऑपरेटिंग द ट्यूमर कौन से पेशेंट में ज़्यादा चैलेंजिंग होगा ठीक है. तो शायद आप ये सोच रहे होंगे जिसको वीकनेस है इसमें चैलेंजिंग होगा. ऐसा नहीं है. जिसका वीकनेस नहीं है हाथ पैर का पावर एकदम इंटैक्ट है कोई वीकनेस नहीं है उसमें ज़्यादा चैलेंजिंग होगा सर्जन के लिए. मतलब सर्जरी ऐसे करके निकलना है कि ट्यूमर भी बाहर निकल जाएगा और हाथ पैर का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा पेशेंट एकदम इंटैक्ट का इंटैक्ट रहेगा ठीक है. वो तो सरफेस ट्यूमर मतलब सुपरफिशियल ट्यूमर की बात कर रहा हूँ. अगर डीप सीटेड ट्यूमर है वो अलग सा प्रॉब्लम है. उसमें देखिए डीप सीटेड हाई ग्रेड ट्यूमर ठीक है डीप सीटेड लो ग्रेड ट्यूमर कितने तरह का वेरिएशंस हो सकते हैं. तरह तरह का ट्यूमर्स हैं. अगर ब्रेन में कहाँ पे ट्यूमर है कितना ट्यूमर है कितना बड़ा ट्यूमर है कैसा वाला ट्यूमर है वो एवरीथिंग मैटर्स इवन एवरी मिलीमीटर मैटर्स. सो इट इज़ नथिंग बट गोइंग टू द वॉर एज डॉक्टर अल्फ्रेडो इज टेलिंग. We're now inside. I'm a fetal doctor. Everything that seems important in pregnancy, Kypros has had an impact on. So this is Dr. Kypros, jo hai fetal medicine doctor, and he has immense contribution in the field of fetal medicine. Agar fetal medicine aur neurosurgery ki baat karun, to aajkal ek latest jo hai surgery that is very possible surgery and उभर के आया है वो है पेडियाट्रिक सर्जरी. मतलब फीटस में जब बच्चा माँ का पेट में होता है जिन बच्चों में बर्थ स्पाइन डिफेक्ट होता है जैसे कि माइलोमेनिंगोसील बोलते हैं स्पाइनल डिजर्वेशन बोलते हैं उसको क्लोज करने के लिए मतलब जब फीटस बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ पे ही सर्जरी करके पेट बंद करके आ जाते हैं न्यूरोसर्जन्स. हर इंस्टीट्यूट में नहीं होता है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में ही अभी वर्ल्ड में ये हो रहा है. For me, heart is the center of the universe. Tell me, Bhushan. When I first saw the child. So this is Dr. Devi Prasad Shetty, our very own doctor. Baby was gasping for breath. Because of the defective heart, this kid will need an operation. Otherwise, he won't survive. Dr. Devi Prasad Shetty jo hai India mein cardiac bypass surgery ka ek revolution jo hai क्रिएट किए हैं.
पूरा दुनिया में ये बाईपास सर्जरी का सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड इंडिया में होते हैं, सबसे अफोर्डेबल जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं, यहाँ पे होते हैं। तो उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिए हैं, सो ही इज़ नाउ वर्ल्ड फेमस डॉक्टर एंड ही इज़ नोन टू एवरीबॉडी एज अ गॉड इन बाईपास सर्जरी, हार्ट सर्जरी। सो उनके बारे में कुछ बोलने का मतलब ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी कौन है। You better know what you're talking about. And you're playing too hard now? That's not perfect. When you see a virtuoso perform, you just know it. You have to have fearlessness tempered by fear of failure. Fearlessness tempered by the fear of failure. This is Dr. Nancy Escher. She is the first woman who performed a liver transplantation. Wo transplant surgeon hai. वर्ल्ड फेमस है, नॉट ओनली लिवर ट्रांसप्लांट यूजुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है अदर ट्रांसप्लांट से, वो एंड स्टेज लिवर डिजीज, एंड स्टेज किडनी डिजीज, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, सब तरह का ट्रांसप्लांट में डॉक्टर नैंसी इज वर्ल्ड फेमस एंड स्पेशलिस्ट। आई गो इन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग देम होप व्हेन दे नीड इट द मोस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारे पास या कोई भी सर्जन के पास, ये नॉट ओनली अबाउट न्यूरोसर्जरी, कोई भी सर्जन के पास पेशेंट्स आते हैं ऐसा कंडीशन में जिनको पता होता है कि एक ट्यूमर है या तो एंड स्टेज डिजीज़ है या तो ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल कंडीशन है जिसको शायद सब सर्जन ऑपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सर्जन दिखाए गए हैं सब वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स हैं, वर्ल्ड फेमस सर्जन्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं उनका फील्ड में, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा आते हैं कि पेशेंट के पास उम्मीद कभी कभी होते हैं, कभी कभी होते भी नहीं हैं, लेकिन यू नो इट इज़ दैट मार्जिन जहाँ पे पेशेंट या तो पेशेंट का रिलेटिव ये सोचते हैं 50-50 सोच के कि शायद ये डॉक्टर के पास जाने से मुझे एक उम्मीद मिलेगा, शायद ये डॉक्टर कुछ कर सकता है। बहुत जगह से सुन के देख के ये डॉक्टर के पास आते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट न्यूरोसर्जरी, इन एवरी फील्ड ऑफ सर्जिकल स्पेशलिटी इट इज़ देयर। लुक्स लाइक ए हैप्पी हार्ट। दैट्स व्हाट सर्जरी इज ऑल अबाउट। सो ये नेटफ्लिक्स का सीरीज जो है सर्जन्स कार्ट, ये ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है, दिसंबर में आने वाले हैं, तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट। क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन से लेके, हार्ट सर्जन से लेके, फीटल डॉक्टर्स को डॉक्टर से लेके, आप ट्रांसप्लांट डॉक्टर से लेके, कोई भी डॉक्टर जो यहाँ पे डॉक्टर्स दिखाए गए हैं, सो दीज आर द रियल स्टोरीज एंड द रियल मूवमेंट्स ऑफ द सर्जिकल स्पेशलिटीज़। तो आपको ये रिएक्शन या रेस्पॉन्स वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और मुझे आप बोलते रहिए कि आपका मेडिकल कौन सा ड्रामा, कौन सा सीरीज़ के ऊपर आपका रिएक्शन चाहिए। तो मेरा रिएक्शन शायद डेफिनेटली ये तो हिंदी में हो रहा है और बाकी रिएक्शन से थोड़ा अलग होगा, बिकॉज हेयर आई विल लाइक टू कोरिलेट थिंग्स एंड लाइक टू एक्सप्लेन थिंग्स जो शायद आप लोगों को इतना बेसिक लेवल से पता नहीं होगा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू नो द रेस्पॉन्स एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू यू। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।